हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है। अगर जब पेशेंट सांस लेता है तो उसको सीटी की आवाज़ आती है। इसके लिए जो बेस्ट होम रेमेडी है उसमें हम दालचीनी का प्रयोग करते हैं। दालचीनी एक चम्मच आप गुनगुने पानी के साथ रात को सोते वक्त लें, आपको 2 से 3 महीने में 100% रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। दूसरी होम रेमेडी में दालचीनी को ही शहद के साथ, अपने शहद की 5 से 7 बूंदे लेनी है, उसके अंदर दालचीनी को घिस लेना है, जैसे हम शंकर भगवान पे तिलक लगाने के लिए घिसते हैं। उसके बाद उसको चाटना है, उससे आपको 100% रिलीफ मिलेगा। आयुर्वेद में जो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं उसमें च्यवनप्राश का बहुत अच्छा योग है। आप च्यवनप्राश की 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गुनगुने दूध के साथ लें, आपको दमा में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। क्योंकि च्यवनप्राश की जो पहली 10 द्रव्य हैं दशमूला की, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेस्ट मेडिसिन हैं। आपने अगर च्यवनप्राश ओरिजिनल ऑर्डर करना है आप हमसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। दमा की अगर किसी को शिकायत है वो हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और उनका दमा हम बिल्कुल क्योर कर देंगे। थैंक यू।